वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा इंडिया में जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है, जो एपेक्स बॉडी CDSCO, मतलब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये महीने में एक बार मार्केट में जितना ड्रग सैंपल रहता है रैंडमली लेके ये टेस्ट करता है, एंड वो टेस्ट का जो वैल्यू है IP में जो मोनोग्राफ है उसके साथ कंपेयर करके वो डिसाइड करता है स्टैंडर्ड क्वालिटी है कि नहीं है। अभी मई 2023 में, मतलब पिछले महीने में 1302 सैंपल मार्केट में लिया था। उनमें से टेस्ट करने के बाद 1274 सैंपल स्टैंडर्ड क्वालिटी का मिला, एंड 27 सैंपल नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी का, एंड 1 सैंपल स्पूरियस प्रोडक्ट मिला। अभी देखिए, ये जो प्रोडक्ट है इसका फेल्योर हुआ है, क्योंकि ऐसे रिजल्ट का फेल्योर था और डिसोल्यूशन टेस्ट में फेल्योर था और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का वैल्यू ठीक तरह से नहीं आया, और फिर स्टेरिलिटी टेस्टिंग में रिजल्ट ठीक तरह से नहीं आया एज पर IP स्टैंडर्ड। सो IP में इस मेडिसिन, मतलब ड्रग का स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है, वो कंपेयर करके देखा है नहीं मिला, इसलिए वो स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं कहा जाएगा। अभी देखिए, इसका जो टेस्ट किया गया था ये गवर्नमेंट का कुछ लेबोरेटरी है, जैसे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता और RDTL गुवाहाटी, CDTL मुंबई और RDTL चंडीगढ़, ऐसे करके हैदराबाद में भी CDTL है। सो वहाँ पे टेस्ट किया गया, एंड टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर बेस करके ये रिजल्ट दिया गया। अभी देखिए, इनमें से जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, हेपरिन इंजेक्शन, इसका जो बैच नंबर है, इस बैच नंबर का प्रोडक्ट फेल किया, मतलब 22AEG17। ऐसा नहीं है एक इंजेक्शन अभी CDSCO जो बैच लेके टेस्ट किया है उसका ऊपर ही रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है जे हर कोई हेपरिन इंजेक्शन नॉट क्वालिफाइड, मतलब स्टैंडर्ड अप टू द स्टैंडर्ड नहीं, ठीक है। तो मतलब आप जब देखेंगे उसका बैच नंबर जरूर देखिएगा। सो कौन कौन प्रोडक्ट है, हम सिर्फ नाम ले रहे हैं, बैच नंबर बगल में दिया गया है, आप देख लीजिएगा। हेपरिन, देन बुपीवाकेन, देन डॉक्सीसाइक्लिन, देन जेंटामाइसिन, मिसोप्रोस्टॉल, डॉक्सीसाइक्लिन, देन टेलमिसार्टेन, देन ओफ्लोक्सासिन विथ ऑर्निडाजोल, देन टिनिडाजोल, देन हेपरिन, देन एमोक्सिक्लैप, मतलब एमोक्सिसिलिन, उसके साथ एमोक्सिक्लैप भी है, देन एनालेप्रिन, रेबेप्राजोल, लिबोसेट्रेजिन विथ मोंटेलुकास्ट, देन क्लैबम 625 जो बोल रहे थे। सो ऐसे करके बहुत सारा प्रोडक्ट है, पैरासीटामोल 500 mg, देन स्पेजोम, मतलब ओमेप्राजोल, देन एमोक्सिसिलिन क्लेबुलेनेट, प्रोबायोटिक, पैरासीटामोल विथ डाइफेनहाइड्रामिन एंड कैफिन, देन निमेसुलाइट विथ पैरासीटामोल, देन पैरासीटामोल सस्पेंशन, देन लोपेरामाइड, देन क्लोरफेनिरामिन, देन ग्लिमेपेराइड 2 mg, देन डॉक्सीसाइक्लिन, देन सेविक्सिम एंड ओफ्लोक्सासिन टैबलेट। सो ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है। अभी ये बीच बीच में CDSCO ऐसा टेस्ट करके देता है। सो अभी देखिए, IP के ऊपर में मैं पहले एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। सो देखिए, IP का इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसे करके कोई प्रोडक्ट का अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं है, ऐसे करके CDSCO जब देखता है, सो IP में जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करके वो रिजल्ट दिया जाता है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ IP। थैंक यू।